अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फजल करीम और आप देख रहे हैं फजल करीम टीवी। आज हम एक बहुत खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का। ये मिश्कात पर भाई लोगों ने कुछ बनाया है फनी, तो उस पर तारिक मसूद साहब ने अपना एक राय दिया है, तो राय के साथ वो वीडियो भी हम देखते हैं। तो ये कादियानियों के बारे में कुछ बनाया है तो हम देखते हैं, हमको भी उसके बारे में पता चल जाए और आप लोग भी हमारे साथ देखिए। तो वीडियो देखते शुरू करते हैं। वो कादियानी के बारे में एक वीडियो आई है, कादियानियों के खलीफा है ना, वहाँ लंदन में बैठते हैं पगड़ी दाढ़ी। जैसे हमारे चार खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं ना, हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, कादियानियों के भी उनके ख्याल के मुताबिक खुलफाए राशिदीन हैं। तो अब उनमें जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ना, जिन खलीफा का पता नहीं क्या नाम है, तो वो मोहतरम को कुरान पढ़ना नहीं आता, लहू। तो वो सूरह हज की आयतें हैं, वलविज तमाउला। तो ये वलविज तमाऊ का लफ्ज़ मोहतरम की ज़बान से नहीं निकल रहा। नहीं, तो उस पर ये फन फिन वालों ने भी, मुझे किसी ने बताया, बैठे हुए भी हैं वहाँ पे, वो बैठे हुए हैं तो इन्होंने उसकी खिंचाई की है कारी बन के। चल पढ़। ان الذين تدعون من دون الله ان الذين تدعون من دون الله आगे पढ़। لن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له لن يخلقوا ذبابا ولا कारी लोग पढ़ा रहे होते हैं ना सख्ती से, तो इन्होंने खिंचाई की है उसकी कि पढ़ वाला विजतमा उला उससे, फिर उसकी वीडियो दिखाई है, वो उन्हीं पढ़ा जा रहा उससे। जुबाबुन वाला सही से पढ़। बगैरत की नस्ल वाला विजतमा उला वाला विजतमा उला वाला विजतमा उला वाला वेज तमाऊ तमाऊ तमाऊ। समझ नहीं आ रही तेरे को। बोलो बोलो ओए खामोश क्या पढ़। तो पूरी आयत ही गलत पड़ी है। बोलो बोलो तमाऊ। अबे लई अखलूको से पढ़ दोबारा, समझ नहीं आ रही मुझे, जोर से पढ़। लई अखलूको जुबाबुन बोलो बोलो पढ़ना चुप क्यों है? नहीं तमाऊ तमाऊ पढ़ बगैरत। लहू वहीं यसलुब हूँ हम जुबाबो शैम शैम ओए शैयाऊ शैयाऊ शैम शैयाऊ शैम ला यस्तन के दो ला यस्तन के दो हो ला यस्तन के जू ला यस्तन के तो अबे फंस ही जाएगा क्या? ला यस्तन की जू ला यस्तन के जू हो ला यस्तन के तो ला यस्तन के जू हो ओ लाए सलीम ओए गैस का पाइप ला इसकी चित्तल लगाऊं। तो ये बड़ी अच्छी वीडियो बनाई इन्होंने, तो इसको वायरल करें, इससे कादियानियों के खलीफा का इमेज दुनिया के सामने जाएगा। ये जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता वो दावा करता है कि मैं पैगंबर का खलीफा हूँ। तो भाई तुम कम से कम किसी कारी के पास बैठ के, आपको नहीं मिला था, हम कोई कारी यहाँ बता देते आपको किसी कारी के पास बैठ के दो लफ्ज़ तो सीख लेते। और ये पूरा कुरान ऐसे ही पढ़ते हैं, बाकी का भी यही हाल है। तो मिर्ज़ा कादियानी से भी अल्लाह ने ऐसी गलतियाँ होने दी हैं कि जिससे लोगों को पता चल जाए कि ये सच्चा नबी नहीं है। सच्चा नबी तो दूर की बात, एक शरीफ आदमी नहीं है, और उनके खलीफे भी यही कुछ करते फिर रहे हैं। तो अब भी किसी को इबरत नहीं होगी तो कब होगी इबरत? तो इसमें अकलमंदों के लिए काफ़ी इशारा है, वो देखें वीडियो को, उसको वायरल करें ज़्यादा से ज़्यादा। बड़ी ज़बरदस्त बनाई है माशाल्लाह, वीडियो हमने देख ली, बहुत मेहनत की है लड़कों ने। मुफ्ती साहब मैंने भी अपना राय दिया कि भाई कादियानी लोग ये बुरे लोग हैं, अच्छे नहीं है, तो हमको भी वीडियो देख के उन लोगों का जो था वो उसने बहुत मेहनत किया था, हमको बहुत अच्छा लगा। और वो मुफ्ती साहब का कहना है कि वीडियो को वायरल करो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।